हम सर कहेंगे, हम कहेंगे, हम सर कहेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर साहब खड़े हैं सर यहाँ पे पार्किंग, सर हम बिल्कुल आपके साथ हैं, पार्किंग का यहाँ पे अलाउड न दे सर, बिल्कुल पार्किंग न छोड़े, लेकिन जो गाड़ी यहाँ पे पार्किंग वो बंद हो जाएगी। और इसी तरह सर यहाँ पे क्वेटा की सबसे बड़ी और सरदार साहब की से क्या यकीन दियानी पे अंजुमन ताजराम बलोचिस्तान के जानिब से जो एहतजाज की काल दी गई थी, चाहे वो एहतजाजी जलसा था या शटर डाउन हड़ताल थी या कृषि चमन टू कुचला का जो शारा था, ये एक बिजनेस सेंटर है। मैंने पहले बताया कि उस दुकानदार को पता नहीं होगा मैं उसका कस्टमर हूँ। मैंने यहाँ से बड़ी ख़रीदारी खुद की और इस रोड की जो हालत होती थी वो भी हमने खुद महसूस की है कि क्या होता था। तो ये सारी चीज़ें मेरे अपने आँखों से गुजरी हैं। मैं इस शहर की गलियों में फिरने वाला आदमी हूँ, मैं बाहर से नहीं आया। तो मैं चाहता हूँ कि शहरियों को तकलीफ़ न हो, हम शहरियों की तकलीफ़ के अजाले के लिए आए। हम शहरियों के या हमारे जो यहाँ पे दोस्त हैं, अहबाब हैं, मेरे लिए सब भाई हैं, हम उनके लिए कोई अजियत बनने के लिए नहीं आए। जब कल आगा साहब ने मुझे कहा कि हम आएंगे, मैंने कहा नहीं, मैं आऊँगा ऑन द स्पॉट, क्योंकि यहाँ पे आने से इंसान को ज़्यादा रियलाइजेशन होती है कि जेन्युइन प्रॉब्लम क्या है। दूर से बैठ के ऑफिस में फिर वो ऑफिस वाली बातें होती, यहाँ रोड पे खड़े होकर रोड वाली बात है, तो वो उसका एक एहसास होता है। तो यहाँ पे मुझे एहसास था, है और इंशाल्लाह वो रहेगा एहसास। हम इस रोड को इंशाल्लाह खोलेंगे, लेकिन बात ये है कि एक तो ये रोड वन वे होगा, लेकिन दूसरी बात है यहाँ पे फिर ठेले वाले आके लगते हैं, फिर रेड़ी वाले ये वो सारे लगते हैं, और फिर बेजा वो मोटरसाइकिल वाले यहाँ पर अपनी पार्किंग करके चले जाते हैं, फिर चलने की कोई जगह नहीं। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी कस्टमर आए, उम्र रसीदा लोग आ जाते हैं, हमारी माएँ बहनें आती हैं, जो भी वो यहाँ पे कोई शॉपिंग करती हैं ये वो, तो उनको गाड़ी नहीं होगी करीब, तो वो शॉपिंग करके वो अपना चीज़ें गाड़ी तक नहीं पहुँचा सकेंगे। और हर आदमी आजकल वो जो बैगर्स का जो है वो मुआवजा भी आजकल बर्दाश्त नहीं कर सकता है इस महंगाई में कि जी बेगर्स। और हमारे दुकानदार भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं कि वो नहीं है कि कस्टमर की चीज़ गाड़ी तक पहुंचा के दें, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, तो ये भी नहीं होता है। तो असल में यही कि ये सहूलतें करनी है। मेरी सिर्फ इनसे 10-15 यही गुजारिश होगी कि ये बैठें कल सेक्रेटरी के साथ और हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं उसके साथ बैठें और एक लाए अमल बनाएँ कि किस तरह ये होगा, और हम SP से बात करेंगे ये वो, ताकि रोड भी रहे। लेकिन इनका तआवुन हमें कदम कदम पे दरकार होगा। अभी यहाँ पे कोई मोटरसाइकिल खड़ी है या कोई इस तरह खड़ी है या गाड़ी खड़ी है, जब उसको हटाने की कोशिश की गई और वो वहाँ से दुकानदार भागा दौड़ा आएगा, ये जी ये तो गाड़ी हमारी है, इसको हमारे तकलीफ नहीं दें, ये नहीं करें, तो ये है नॉन कोऑपरेशन, किसी और को गैर को अपना बनाना कि जी बस ये मेरे दुकान पर आए हो जी, ठीक है वो दुकान पर आए, लेकिन इस तरह अगर वो फेवर देते रहे तो फिर बात मज़े की नहीं होगी। तो इसीलिए मेरी उनसे भी गुजारिश है कि वो जेन्युइन जो उनका प्रॉब्लम है वो हम ज़रूर रिजॉल्व करेंगे, लेकिन वो भी हमारे साथ दिल खोल के तावन करें। थैंक यू। सर ये बताया कि देखिए नहीं, मैंने तो कहा हुआ है कि ये शहर जो है वैसे तो इन लोगों का है, लेकिन लोकल गवर्नमेंट इदारा है जिस कि ज़्यादा इस शहर पे हकूक हैं, राइट्स हैं, तो लोकल गवर्नमेंट को वो तमाम इख्तियार दिए जाएं ताकि हम सब कुछ कर सकें जो दुनिया में हर शहर में दिए हुए। लेकिन यहाँ पे 10 आपके और डिपार्टमेंट काम करते हैं और सारे फंड्स उनको मिले हुए हैं, और लोकल गवर्नमेंट को ये मेरा एडमिनिस्ट्रेटर खड़ा हुआ है, पूछिए इसके पास कितना फंड है, तनख्वाहों के लिए परेशान, 5 साल से डेवलपमेंट के लिए एक पैनी नहीं मिली हुई है इस शहर के लिए। मैं बहसीत मिनिस्टर कहता हूँ, अगर कोई कहता है कि हमने दिए हैं तो आए मेरे सामने, तो हम कैसे इस खिदमत कर सकते हैं। और रोक बाकी रोकने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर कोशिश तो करेगा,
लेकिन यहाँ पे हर एक जो है अपने वो खोली हुई है। अभी क्या बताएं यार, किसका नाम ले लें, हर एक का कारोबार चलता है। अगर यहाँ पे वो है गलत काम होता है तो कारोबार चलता है, सीधे काम में कारोबार नहीं चलता है। तो वही इसी तरह चलाते हैं। अभी जिसका कहेंगे कहेंगे जी हमारे नाम पे कहा है, तो मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन समझने वाले के लिए इतना बहुत काफ़ी है। तो इंशाल्लाह ताला ये सारी चीज़ें ठीक करेंगे, लेकिन मुझे मर्जी का पहला एडमिनिस्ट्रेटर मिला और मैंने उसे कहा है कि आपको दिन को भी और रात को भी जागना पड़ेगा, और ये एडमिनिस्ट्रेटर मुझे मर्जी का मिला है तो मैं आज यहाँ आया हूँ। वरना शहर में मुझे किसी ने नहीं देखा हुआ कि हमारा लोकल बॉडीज मिनिस्टर है कौन, क्योंकि मुझे पता था जब मेरी से ही नहीं है, जब मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, तो मैं जाके शहरियों के साथ मिलके क्या करूँ। आज मुझे पता है कि ये आया है, इंशाल्लाह इसको मैं जो कहूँगा जायज़ वो जायज़ बात करेगा, तो इसीलिए मैं खुद आया हूँ इस उम्मीद के साथ, और मुझे यकीन है कि ये करेगा, तो इसीलिए मैं आया हूँ। और इंशाल्लाह फंड भी मिलेंगे तो हम शहर में आते रहेंगे और काम भी करेंगे, और जहाँ जहाँ पे ज्यादतियाँ हो रही हैं आप पॉइंट आउट करें, मैं वहाँ पे खड़ा हूँगा इंशाल्लाह। और मैं उनका मशहूर हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया और मेरी इज़्ज़त अफजाई की और मेरी तसली पे उन्होंने अपनी कॉल ऑफ की, तो मैं उनका सबका तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरी कोशिश होगी कि ये हमारे ताल्लुकात बरादराना जो हैं इसी स्पिरिट से। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर वेरी थैंकफुल, सबसे पहले हम शुक्रगुजार हैं अपने सीनियर मिनिस्टर बलूचिस्तान मोहतरम सरदार साले बोथानी साहब का, जो कि यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं और इन्होंने ये आपके सबके सामने ये यकीन दहानी कराई कि इस रोड को जल्द अज जल्द खोलेंगे। इससे पहले हम सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेटर जो हमारे मेट्रोपॉलिटन के, इनसे बैठ के जो मामला थे वो तय पाएंगे इंशाल्लाह ताला। दूसरी बात ये है कि यकीनन जिस तरह सरदार साहब ने फरमाया कि ये शहर हम सब का शहर है, ये सिर्फ अंजुमन ताजरान का शहर नहीं है, यहाँ के तमाम शहरी, तमाम दुकानदार, तमाम पॉलिटिशियंस, ये सब का शहर है, ये धरती हम सब की माँ है, हम सब ने इसकी हिफाजत करना है। तो इंशाल्लाह ताला जो हमसे हो सके, जो अंजुमन ताजरान के बस में, हम ज़रूर करेंगे। और हम सरदार साहब की इसी खानदानी पर जिस तरह हमने कल ऐलान किया था इतिजाजी जलसे का और कौमी शराय ब्लाक करने का, और 11 जून को जो शटडाउन हड़ताल की कॉल दी थी उसको वापस लेने का ऐलान करते हैं, और ये यकीन दिलाते हैं सरदार साहब को कि इंशाल्लाह ताला हम आपकी एतमाद पर इंशाल्लाह ताला पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। आपने हमारी हौसला अफजाई की, इंशाल्लाह ताला हम मुकम्मल हमारी ताजर बरदरी की बलूचिस्तान के तमाम डिस्ट्रिक्ट में हम आपके साथ हैं, और इंशाल्लाह ताला आपके शाना बशाना हम खड़े रहेंगे इंशाल्लाह, चाहे माली ताउन हो, जानी ताउन हो, हम आपके साथ हैं सरदार साहब। इंशाल्लाह ताला आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। माली वाली बात निकाल दे जी। हम ये शहर हम सब का शहर, हम ताजर बरदरी ने पहले भी किए, हमने डॉक्टर कलमिला साहब को हमने दावत दी थी कि आप आएँ हमारे साथ बैठ जाए, आपको अगर डस्टबिन चाहिए अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान आपको डस्टबिन बनाने के लिए तैयार है, बना के देंगे हम आपको।
हमने ट्रैफिक पुलिस वालों से रिक्वेस्ट की, एसएसपी साहब शराली से उस दिन मेरी बात हुई कि अंजुमन ताजराम बलोचिस्तान की जानिब से अगर आपको शेड चाहिए साये के लिए, हम देने के लिए तैयार है। हम कभी भी पीछे नहीं हटे, जो हमारे साथ एक कदम आते हैं हम 10 कदम उनके पास चल के जाते हैं उनके पास। तो एक दफ़ा फिर मैं अपनी जानिब से और अंजुमन ताजराम बलोचिस्तान की जानिब से, ख़ासकर अब्दुलसत्तार रोड की ताजर ब्रदरी की जानिब से, अपने मोहसिन सीनियर सूबाई वज़ीर बलोचिस्तान, साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान मोहतरम सरदार सालेह बोतानी साहब के इंतहाई मशकूर ममनून हूँ। अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर दे, उन्हें अपनी ज़मान में रखे, बड़ी मेहरबानी। रोज़ाना की बुनियाद पे इस पे काम हो रहा है, जहाँ जहाँ से शिकायत आ रही हैं वहाँ हम टीमें भेज रहे हैं। थोड़ा सिस्टम इस तरह रखा है कि जिन इलाकों में ज़्यादा ज़रूरत है उनको प्रायोरिटी पे रख रहे हैं, जिनको जहाँ पे कम कुछ शिकायत है तो वहाँ उसको बाद में आ रहा है। इंशाल्लाह नंबर हर इलाके का आएगा। कुछ मसाइल ज़रूर हैं लेकिन हम अपने महदूद वसाइल में रहते हुए इंशाल्लाह अपनी पूरी सही करेंगे और आप इंशाल्लाह डिफरेंस देखेंगे। वो प्रोजेक्ट भी इन प्रोसेस है, इंशाल्लाह आप जल्द अच्छी खबर सुनेंगे।